फ्रेंड्स, तो अब हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। पढ़ते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा। सेल्स दे रखी है हमको 2 सालों की और प्रॉफिट भी दे रखा है। इनसे हम पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल आर दिस, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न दिस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है अगर आपको इसको स्टार्ट करना आता है। जब भी 2 साल के सेल्स और प्रॉफिट दे रखे होते हैं तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट हमारा है 5000 और चेंज इन सेल हमारी है 20000। पीवी रेशियो आ गया 25%। अब जब पीवी रेशियो आ गया तो ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू होता है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। किसी भी एक ईयर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लें, जैसे हम 2010 का निकालें तो 1,20,000 इंटू 25% माइनस प्रॉफिट है 8,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा हमारा 22,000। 22,000 अपॉन 25%, ठीक है। तो ये हमारा 88,000 रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। आगे बढ़े। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर दिस, थर्ड सेल्स दे रखी हमको 1,80,000। तो प्रॉफिट क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। 1,80,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% से मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 22,000, ठीक है। चौथा क्या है? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपीज। सेल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारी 22,000 है, ठीक है। तो ये आ गया 34,000, ये आ गया 1,36,000 and the next last one is the margin of safety in 2011. Margin of safety is equal to होती है total sale minus break even point sale. Total sale थी 2011 में 1,40,000 की और break even sale है हमारी 88,000 रुपीज की। तो margin of safety कितना आया? 52,000 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन, इसका दूसरा तरीका भी बताया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। 13,000 ये भी फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया है, तो आप चाहे जैसे भी निकाल सकें सिंपल तरीके से। थैंक यू, गुड डे।